बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर पिछले साल नवंबर में एक बेटी के माता पिता बने थे। बिपाशा ने बेटी का नाम देवी रखा। बीच बीच में कपल अपनी नन्ही परी की झलक से सोशल मीडिया पर फैंस संग शेयर करते रहे। इस बीच बिपाशा बसु ने खुलासा किया है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए हैं। बिपाशा के इस खुलासे ने फैंस को इमोशनल भी कर दिया है। दरअसल हाल ही में बिपाशा बसु ने बताया कि जन्म के समय उनकी बेटी देवी के दिल में दो छेद थे। दरअसल नेहा धूपिया से बातचीत के दौरान बिपाशा ने इस बात का खुलासा किया और वे फूट फूट कर रोने लगी। बिपाशा ने बताया कि उनके लिए ये वक्त बहुत कठिन था। बिपाशा ने बताया कि उन्होंने अपनी 3 महीने की बच्ची को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भेजा था। इस दौरान उन्होंने खुद को स्ट्रांग रखा और बेटी की सर्जरी हुई। फिलहाल अब उनकी और करण की बेटी देवी ठीक है। बिपाशा ने अपने अनुभव को इस बातचीत में साझा किया है। बिपाशा अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए कहती हैं, हमारी जर्नी किसी भी सामान्य माँ बाप से बहुत अलग रही है। ये उस मुस्कान से कहीं अधिक मुश्किल है जो अभी मेरे चेहरे पर है। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी माँ के साथ ऐसा हो। एक नई माँ के लिए जब आपको ये पता चलता है तो सबसे मुश्किल है। मुझे मेरे बच्चे के जन्म के 3रे दिन ही पता चला कि हमारी बेटी के दिल में 2 छेद हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसे शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसे शेयर कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी माएं हैं जिन्होंने इसमें मेरी मदद की और उन माताओं को ढूंढना बहुत मुश्किल था। बिपाशा ने इस दौरान ये भी बताया कि मैंने और करण ने बच्चे के नेचुरली ठीक होने का इंतजार किया था। पहले और दूसरे महीने में रिजल्ट फेल हो गया और फिर बिपाशा ने मन बना लिया कि वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए सर्जरी करवाएंगी, लेकिन करण इसके लिए फिर भी तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार करण माने और बेटी की सर्जरी हुई। 6 घंटे चली सर्जरी के दौरान बिपाशा बेचैन हो गई थी। खैर अब उनकी नन्ही सी जान एकदम ठीक है। सर्जरी कामयाब साबित हुई थी। खैर ये थी बिपाशा और नेहा धूपिया के बीच की वो कॉन्वर्जेशन जो इस वक्त सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। खैर इस बारे में जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।